हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रणव मिश्रा आपके साथ बात करने जा रहा हूँ नीट के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और हर बार इस नीट एग्जाम में आपको हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन जरूर मिलने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से नहीं पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं बीएससी पीआर थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन से ही लिंक होता है। बच्चों, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। ये सिर्फ नीट के लिए ही नहीं और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही बहुत ही जरूरी वीडियो है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ये हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया नहीं। और उसके लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। आइए देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकाल सकते हैं, या 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी आपका एटम है, उस एटम का होता है ऑर्बिटल। अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होकर वो एक नया ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब जो आपके दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं बच्चे, दो से ज्यादा भी ऑर्बिटल आपस में मिल सकते हैं और जो कि न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है बच्चे, ये आपका एनर्जी में, इसकी एनर्जी और इसका शेप और इसका साइज, ये पूरी तरह से क्या होता है, सेम होता है। ये था जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो हमको थ्योरी के बेसिस पे पता करना है। लेकिन हमसे कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछेगा आपको लिखने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। वो डायरेक्टली कोई ना कोई आपको कंपाउंड देगा, कोई ना कोई आपको मॉलिक्यूल देगा और पूछेगा डायरेक्टली कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कितने ऑर्बिटल्स उसके कंबाइंड कर रहे हैं उस एटम के पर्टिकुलर, और क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम आपको एक छोटा सा टेबल बना दे रहे हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर दो ऑर्बिटल एक साथ कंबाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कौन से कंबाइंड करें उनका नेम, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस टेबल के बेसिस पे आप डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए दो ऑर्बिटल आपके पास कंबाइंड करे हुए हैं तो आपके पता है ना ऑर्बिटल्स कितने होते हैं आपके पास, एस पी डी और एफ। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें होता है तीन, इसमें होता है पांच, और एफ में होता है 7 ऑर्बिटल, करेक्ट। और एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह इसमें से कितने, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें रह सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ये रह सकते हैं, करेक्ट। अब अगर दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं तो दो में एक आपका होना चाहिए एस का और एक होगा पी का, ये श्योर है क्योंकि एस के एक ही ऑर्बिटल होते हैं, दोनों एस आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चे एस पी, करेक्ट। अगर तीन ऑर्बिटल कंबाइन करे, अच्छा क्वेश्चन कभी दिमाग में है कि एक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कम से कम दो ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अगर तीन हो गया तो आपको एस हमेशा एक ही दे सकता है क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल कितने हैं, एक, और पी बढ़ सके पढ़ गए दो हो सकता है। तो जब इस तरह एक और एक एस का और दो पी का कंबाइन कर जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है एस पी टू, करेक्ट। इसी तरह अगर 4 ऑर्बिटल आपके कंबाइन करें जिसमें एक एस का होगा, तीन आपका पी का हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी थ्री। अगर 5 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, अगेन एक एस का, अच्छा तीनों पी खत्म हो चुके हैं तो अब कौन आएगा, एक डी का आ जाएगा, तो बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी। फिर बढ़ रहा है 6 की तरफ, तो एक हो जाएगा एस, तीन हो जाएंगे पी और दो हो जाएगा डी, हो जाएगा एस पी थ्री डी टू। अगर हम बात करें 7 ऑर्बिटल की तो 1s 3p और 3d हो जाएगा एस पी थ्री डी थ्री, ठीक है। ऐसे होता है हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता चला जाता है, लेकिन मैक्सिमम यहां तक आपके सारे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन निकल जाने एस पी थ्री डी थ्री तक। तो ये टेबल आपको बना के रखना है दिमाग में कि कितने ऑर्बिटल, ये वो नंबर है जो हमको ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो जो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं बच्चे, उससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने कंबाइन कर रहे हैं। तो जितने नंबर मिलेगा, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको लास्ट में मिल रहा है 4, यानी कि आपको 4 ऑर्बिटल्स मिल रहा है, तो 4 ऑर्बिटल्स पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, एस पी थ्री। कैसे होता है वो आपको हम सिखाने जा रहे हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के अलग अलग बुक्स में अलग अलग ट्रिक्स दी हुई होती है, अलग अलग फॉर्मूले दिए होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा जो डायरेक्टली आपके दिमाग में रहेगा और आप सीधे से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और दो फॉर्मूले को याद करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर होना चाहिए कि किस एलिमेंट में, किस एटम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
उन्हीं को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए, अगर पहली कंडीशन ये करी है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अप टू एट, अगर आठ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला कौन सा आप अप्लाई करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन टू, करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। हाइब्रिडाइजेशन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आठ तक है तो। दूसरी कंडीशन ये कह रही है इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एट, ठीक है, अगर वो क्या है आठ से ज्यादा है, अब तो मतलब ये तो आठ से कम हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तक है, तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे। आठ से जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो आप फॉर्मूला लगा दोगे हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन एट, करेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन एट। अब देखो इसमें एक कंडीशन और बढ़ती है जो हम आपको आगे सिखा रहे हैं, पहले ये दो फॉर्मूले आपको नोट करके रखना है, अब इसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन सिखाते हैं, फॉर्मूला नोट करिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा है कि वाटर H2O का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एग्जांपल इसमें ले रहे हैं हम फर्स्ट, दैट इज वाटर, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाँ, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्लियर कर लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं दो, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में कितने होते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में हो जाएंगे दो, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, जो भी एटम जिस ग्रुप का होता है उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, सिक्स ग्रुप का, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सिक्स, करेक्ट। अब दोनों को ऐड करो कितना जाएगा एट। अभी मैंने बताया था कि अगर आठ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, उसको सीधे डिवाइड कर दो टू से, जैसे ही टू से फोर को एट को डिवाइड करोगे आ जाएगा क्या फोर, टू फोर जा एट। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जब ये आपको जो मिलता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ये क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो जब चार नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वहां पर हाइड्रेशन क्या आता था बच्चे sp3, sp3 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, इसी तरह वो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दूसरा अगर मान लो उसने पूछ लिया H2SO4 का बता दो, कोई बात नहीं। अब हाइड्रेशन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वन, हाइड्रोजन कितना है दो, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए दो, प्लस कर लो सल्फर सिक्स ग्रुप का, इसका भी हो जाएगा छह, ऑक्सीजन भी सिक्स ग्रुप का लेकिन कितना है फोर, तो छह चौको चौबीस, अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा आठ, और ये चौबीस, चौबीस आठ हो जाएगा बत्तीस, डिवाइड करो। अब देखो आठ से ज्यादा हो गया तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ से ज्यादा आएगा तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, आठ से, आठ तक है तो दो से, आठ से ज्यादा है तो आठ से, आठ कितना बार जाएगा चार बार, अगेन चार आया, और चार पे आते ही तुरंत हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, यानी कि वाटर का और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3 आता है। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन जाए, अब आपको जाए जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आप आराम से क्लियर करके बता सकते हो। जैसे मान लीजिए उसने दे दिया आपको कि, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, उसने मान लो आपको दिया कि XeF2 का बताइए, XeF2 का, चलिए निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने की जरूरत है, क्योंकि पहले अगर हम इसका निकाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ज़ीनॉन, ज़ीनॉन किस ग्रुप का होता है एट, नॉर्मली ये माना जाता है इनर्ट गैसेस कभी भी बॉन्डिंग नहीं करती है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन अगर उसने आपको दिया है कि ये आपको XeF2 कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो ज़ीनॉन को हमेशा किस ग्रुप में लेंगे एट, क्योंकि लास्ट होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एट, और फ्लोरीन किस ग्रुप का होता है हैलोजन ग्रुप, यानी कि सेवंथ, और सेवंथ ग्रुप में एक फ्लोरीन का सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दो फ्लोरीन का 14, दोनों को ऐड करो 22 आ जाएगा। अब 22 8 से ज्यादा है तो हम डिवाइड किससे करेंगे 8 से, डिवाइड कर लो 8 दूनी 16, अब बचा कितना, देखो ध्यान से देखो, जो 16 गया तो बच कितना रहा है 6, अब 6 क्या है रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बच रहा है, अब ध्यान से देखो ये रिमाइंडर 8 से कम आ रहा है, तो जब भी 8 से कम आए इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं किससे 2 से, जैसे 2 से डिवाइड करेगा तो क्या मिल जाएगा 3। अब ध्यान से देखो पहली बार आपको मिला था 2 और दूसरी बार मिला आपको 3, इन दोनों को उठा के क्या कर दो ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू क्या 5। अब 5 जो होगा आपका यही होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और 5 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बच्चे sp3d, ये हो गया आपका क्या आंसर। अगेन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो, फोर्थ XeF4 में देख लो ज़ीनॉन अगेन 8, फ्लोरीन 7, तो 7 फोर जा 28, ऐड करो कितना हो जाएगा 36, 36 डिवाइडेड बाई
एट, अब क्या होगा, 8 चौके 32, कितना बचा, 4, 4 हो गया रिमाइंडर। तो जो ये होगा क्वेश्चन वन, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन और रिमाइंडर हो रहा है 4, इसको फिर से डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जा 4, तो 2 बार आपको, पहली बार 4 मिला था और दूसरी बार आपको 2 मिला था, इन दोनों को फिर से क्या कर देना है, ऐड कर देना है, रिमाइंडर को 2 से फिर से काटना है, जितनी बार जाए जितनी बार कटे उन दोनों को पहली बार वाला दूसरी बार उठा के ऐड कर देना है, तो 4 और 2 4 और 2 हो जाएगा 6, और 6 पे क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, SP3 और D2, 3 1 4 2 6, करेक्ट। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, SP3D2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, चाहे उसके ऊपर चार्ज वाले हैं, विदाउट चार्ज वाला एलिमेंट है, कहीं से भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका तो यही है हमारे अकॉर्डिंग। और आपको अगर वीडियो जरूर अगर पसंद आ रहा है, तो जो भी अगर डाउट आ रहा है कुछ क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।